नमस्कार, सत्यम समाचार के साथ मैं हूँ प्रीति। लोकसभा चुनाव के दौर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में एक रोड शो किया। और प्रिय छात्रों, क्या आप एक ऐसे स्कूल की तलाश में हैं जो आपके बच्चे को न केवल शिक्षा बल्कि उनके समृद्ध विकास के लिए भी समर्पित हो? तो आइए हमारे स्कूल सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी के साथ जुड़िए और देखिए कैसे हम आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाते हैं। हमारे स्कूल में शिक्षा को एक नया आयाम दिया जाता है, जहां हम पाठ्यक्रम के साथ साथ जीवन के मूल्यों को भी सिखाते हैं। हमारी विशेषता में सुविधाजनक शिक्षण, प्रौद्योगिकी अद्यतन और शिक्षा में नवाचार जैसे छात्र हितकारी कार्यक्रम सम्मिलित हैं। हमारे विद्यालय में छात्रों को विकास के साथ साथ समर्थ नागरिक बनाने का अद्वितीय प्रयास किया जाता है। यहाँ हम न केवल पढ़ाई कराते हैं बल्कि स्कूल के बाहरी कार्यक्रमों, खेलों और कला संघों के माध्यम से छात्रों के सामाजिक, मानसिक और शारीरिक विकास का भी पूर्णतः प्रयास करते हैं। आइए चुनिए एक स्कूल जो आपके बच्चे के भविष्य को समृद्ध बनाए। आप हमें सुदिति ग्लोबल एकेडमी मैनपुरी में मिल सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद और आइए अपने बच्चे के भविष्य को सशक्त बनाएं। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें नगर के क्रिश्चियन तिराहे की तस्वीरें हैं। बता दें कि पहले से ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो का पूरा खाका तैयार कर लिया गया था, पूरा रूट चार्ट तैयार कर लिया गया था। किशन त्राय से रोड शो की शुरुआत होनी थी, तो सबसे पहले यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए एक रथ तैयार किया गया था, जिसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पुलिस लाइन में हेलीपैड पर अपने हेलीकॉप्टर से उतरे, जिसके बाद वे कार के माध्यम से मोहम्मद चौराहे से होते हुए किशन त्राय तक पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पहुंचने के बाद उन्होंने रथ पर सवारी की, जिसके बाद रोड शो की शुरुआत हुई। हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ भी यहां देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के लिए वोट की अपील करने पहुंचे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह के समर्थन में वोटों की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रोड शो की शुरुआत क्रिश्चियन तिराहे से हुई, जो बड़े चौराहे से होता हुआ करहल चौराहे पर जाकर समाप्त हुआ।